नमस्कार, आप देख रहे हैं यूपी तक और आपके साथ मैं हूं सुषमा। आज हम बात करेंगे प्रतापगढ़ की, जिसका सियासत में कितना ऊंचा कद है वो आप शायद जानते ही होंगे कि राजेंद्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह, महेंद्र सिंह और उसके साथ साथ राजा भैया, ये तमाम नाम हैं जो अब सरकारों में शामिल होते हैं, मंत्री बनते हैं। लेकिन उससे भी बड़ी बात यह है कि सियासी कद के साथ साथ क्राइम का कद यहाँ पर वो भी लगातार बढ़ता दिखाई देता है। ये बात हम क्यों कह रहे हैं उसको ऐसे जानिए कि यहाँ पर अवैध शराब का कारोबार फलता फूलता रहता है, कोई नकेल नहीं कस पाता है, आईपीएस के तबादले होते रहते हैं, कोई टिक नहीं पाता है। और इन सब के बीच में एक पत्रकार की मौत ने इन सवालों को फिर से जीवित कर दिया है। डोनेट कार्ड और वॉइस ऑफ स्लम जुड़कर दिल्ली और नोएडा के स्लम्स में गरीबों को फ्री ऑक्सीजन सप्लाईज प्रोवाइड करने का प्रयास कर रहे हैं। डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पर जाकर डोनेट कार्ड पे अभी डोनेट करें, इन गरीब परिवारों का सहारा बने। सुलभ श्रीवास्तव, जी हाँ, एक पत्रकार जो मारे जाते हैं, सवाल ये भी उठाया जाता है कि ये हत्या है या एक हादसा। दरअसल सुलभ कुछ दिन पहले ही अवैध शराब को लेकर एक खबर कवर करते हैं, उसके बाद से उनको धमकी मिलने लगती है और इसको लेकर वो पुलिस में गुहार भी लगाते हैं। पुलिस को भी एक एप्लीकेशन देते हैं कि उनकी जान को खतरा है, उनको लगातार डराया धमकाया जा रहा है। और जिस दिन वो पुलिस में शिकायत करते हैं उसके अगले ही दिन 24 घंटे के अंदर उनकी संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो जाती है। कटरा रोड पर भट्टे के पास वो घायल अवस्था में मिलते हैं, उनके सिर पर चोट के निशान होते हैं और जब तक उनको हॉस्पिटल ले जाया जाता है तब तक उनकी जान चली जाती है, डॉक्टर्स उनको डेड डिक्लेयर कर देते हैं। जी, उन्होंने एडीजी साहब और कप्तान साहब को एप्लीकेशन दिया था, उन्होंने कहा था कि हमको तीन चार लोग कुछ दिनों से पीछा कर रहे हैं, आप हमको गनर की सुविधा दे दीजिए और हमको अपने परिवार वालों पर भी थोड़ी सी टेंशन है क्योंकि उनके ऊपर भी अटैक हो सकता है, ये सब उन्होंने लिखा था। लेकिन उसकी कोई कार्रवाई नहीं की गई, ना ही उनको कोई सुरक्षा के लिए कुछ दिया गया। और उनकी पत्नी ने कहा है साफ साफ कि ये मृत्यु नहीं, इनका निधन नहीं, एक्सीडेंट से नहीं हुआ है, इनकी हत्या कर दी गई है। और हम भी उन्हीं के साथ जाते हैं क्योंकि जिस तरीके से 12 तारीख को एडीजी लॉ एंड ऑर्डर कानून व्यवस्था को इन्होंने पत्र लिखकर भेजा था कि मेरी कभी भी हत्या हो सकती है, उस समय प्रशासन और शासन नहीं जागा। आज जब उनकी हत्या हो गई है तब यहाँ पर प्रशासन के लोग और पार्टी के लोग आकर, सरकार के लोग आकर यहाँ पर यहाँ खड़े हुए हैं। उनके छोटे छोटे बच्चे हैं, उनकी पत्नी है, कैसे उनका गुजर बसर होगा। बहुत ही गरीब परिवार से बिलोंग करते हैं, हमारे साथ MD PG कॉलेज में हमसे सीनियर थे, हमारे साथ पढ़े हुए हैं और मैं जानता हूं कि आर्थिक स्थिति बहुत ही अच्छी नहीं है। तब सवाल ये उठता है कि क्या वाकई में यहाँ अवैध शराब के कारोबारी इस तरह से फल फूल रहे हैं कि वो किसी की भी जान ले लेंगे। सवाल पुलिस पर भी होते हैं तो पुलिस की तरफ से कहा जाता है ये हादसा है। उधर दूसरी तरफ पत्रकार और सुलभ के परिजन धरने पर बैठ जाते हैं तो बाद में पुलिस इस मामले को निष्पक्ष जांच की बात कह के 302 के तहत मामला दर्ज करती है। जो पुलिस पहले इसे हादसा बता रही थी वो 302 के तहत मामला दर्ज कर लेती है। कटरा चौराहे के पास में स्थित ईंट के भट्टे के पास मोटरसाइकिल से गिरकर घायल हो गए थे, वहां पर मौजूद मजदूरों द्वारा उन्हें उठाकर किनारे किया गया और उनके मोबाइल फोन में मौजूद कॉन्टैक्ट लिस्ट के आधार पर संबंधित को सूचित करते हुए एम्बुलेंस को ही बुलवाया गया था और एम्बुलेंस से वह डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल पहुंचे जहां डॉक्टरों द्वारा उन्हें मृत घोषित कर दिया गया था। उसके पश्चात पुलिस, स्थानीय पुलिस टीम एवं मैं एवं COCT द्वारा घटनास्थल का निरीक्षण किया गया। प्रथम दृष्टया यह पाया गया कि वह मोटरसाइकिल से अकेले आ रहे थे और सड़क के किनारे मौजूद खंभा और हैंडपंप जिससे टकराकर मृत्यु होना पाया गया है। घटना के संबंध में अन्य विभिन्न पहलुओं के बारे में गहराई से जांच की जा रही है और अन्य विधिक कार्रवाई प्रचलित है। अब यहाँ ये कहा जा रहा है कि निष्पक्ष जांच होगी, जो भी कसूरवार होगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। लेकिन सवाल यही है कि यहाँ अवैध शराब का कारोबार कैसे फैलता है, क्योंकि आपको याद होगा इसी साल जनवरी में अवैध शराब की वजह से कितने लोगों की जान चली गई थी, कितने लोग मारे गए थे और उसके बाद धरपकड़ शुरू हुई थी। इस धंधे के ऊपर नकेल कसने की बातें कही गई, लेकिन एक केस अभी कुछ दिन पहले ही सामने आता है
कुंडा का, जहां पर अवैध शराब का एक जखीरा बरामद होता है, करोड़ों की शराब बरामद होती है, लेकिन वहां जो मुख्य आरोपी होता है उसको बचाने की कोशिश भी पुलिस करती है। तब सवाल यह भी होता है कि पुलिस का संरक्षण है या सियासी संरक्षण है। यह सवाल बहुत बड़ा हो जाता है क्योंकि इसको लेकर अब कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, समाजवादी पार्टी योगी सरकार को घेर रहे हैं, लगातार आरोप प्रत्यारोप चल रहा है। तो वहीं ये भी बात सबसे बड़ी हो जाती है कि मुआवजे की सिफारिश की गई है। सांसद जो यहाँ के हैं संगमलाल गुप्ता, उन्होंने मुख्यमंत्री को पत्र लिखा है और पीड़ित परिवार की मदद की गुहार लगाई है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह कि क्या खुल्लम खुल्ला यहाँ पर ये जरायम की दुनिया का जो खेल था वो अभी भी जारी है, क्योंकि योगी सरकार में लॉ एंड ऑर्डर को दुरुस्त करने की बात कही गई। सवाल ये भी है कि अवैध शराब को लेकर सख्त कानून तो बना दिया गया, लेकिन क्या उस पर नकेल कसी जा चुकी है। सवाल यह भी है कि क्या एक पत्रकार बेखौफ होकर के अपनी बात भी नहीं रख सकता, किसी खबर को दिखा नहीं सकता। सवाल यह भी है कि क्या सियासत के नाम पर यहां पर संरक्षण माफियाओं को, गुंडों को अभी भी मिल रहा है, उसका सफाया कब होगा। ये कई सारे सवाल हैं, लेकिन आगे पुलिस का क्या एक्शन होता है इस पर हमारी नजर रहेगी। आप देखते रहिए यूपी तक।